अब बहुत हुआ, अब जाना है। तुम समझोगे कि शायद मैंने देखे थे कोई ख्वाब नहीं, शायद सवालों के भी ढूंढे थे कहीं कोई जवाब नहीं। लम्हा लम्हा कतरा कतरा मैं कागज पर था उतार गया, लम्हा लम्हा कतरा कतरा मैं कागज पर था उतार गया, तो क्या हुआ जो पीछे छूट गया, मैं टूट गया, मैं हार गया। समझौते पर है जीना तो उस जीने से है धिक्कार मुझे, समझौते पर है जीना तो उस जीने से है धिक्कार मुझे, घर लौट जाना ही है सबका अंत तो वो अंत भी है स्वीकार मुझे। बात कैसे कोई समझेगा अगर बेबाकी से कहोगे नहीं, जिस दिन जान गए क्यों लिखना है लिखने के काबिल रहोगे नहीं, या फिर संसार का सत्य जानकर अंतर मन तक दहल जाओगे, संसार का सत्य जानकर अंतर मन तक दहल जाओगे, पहचान नहीं पाओगे खुद को, ऐसे बदल जाओगे। उस दिन तलक चांद सितारे फलक बस इसी को लिखते जाना है, सच सुनने की है आदत किसे, अब बहुत हुआ अब जाना है, अब लौट के किसको आना है, अब बहुत हुआ अब जाना है। वाह 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 मकरन भाई, वाह, मतलब सही बोलूं सब रोंगटे खड़े हो गए, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या परफॉर्मेंस थी, आप कैसे कर लेते हो? हाँ बिल्कुल समझ आई, हाँ आई समझ, हाँ मतलब थोड़ी सी नहीं आई ना, यही दिक्कत है बताए, जब जब हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं ना तो लोग हमें देख रहे होते हैं, क्यों पता है? क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास चॉइस नहीं है, उनको सामने ही देखना है। पर ये जो ध्यान है ना, इसे पकड़ के रखना पड़ता है और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है, समझा? मकन भाई बात पूछू क्या? ऐसा बुरा मत मानना, ऐसा कोई भी है क्या ऐसा पूरी दुनिया में जो आपको समझता है, मतलब थोड़ा भी? शायद नहीं, तभी तो सब खुश है। देख मैं भी सबको देख, सब कितने संतुष्ट है ना? भगवान चल घर चल। इनका क्या, अरे मकन भाई कहाँ जा रहे हो, ये पोम परफॉर्म नहीं करोगे क्या? इतनी अच्छी कर तो दी, जिनके लिए परफॉर्म करनी थी, जिनके लिए पोएम लिखी थी उनके लिए परफॉर्म कर दी। अच्छा चल चल, तू नहीं समझेगा, आजा। मकरन भाई आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ मतलब थोड़ा सा चेकअप? Our next poet is someone whose love for the stage brings out sheer magic in his poetry. So please welcome a dear friend of mine and a fantastically talented poet, Anand Shukla. Thank you, Kriti. वैसे आज हम जो कविता सुनाने जा रहे हैं वो हमारे घनिष्ठ मित्र मकरन भाई ने लिखी थी। आज यहाँ वो हमारे बीच नहीं है तो बस उन्हीं को याद करते हुए। कविता का शीर्षक है बहुत हुआ अब जाना है। वो मेरा बगीचा मेरे फूल पत्तियां और डाली है, वो मेरा बगीचा मेरे फूल पत्तियां और डाली है, पर याद नहीं है किसको कि आखिर कौन किसका माली है। वो माली बड़ा नेक था जो मुफलिसी में नेक था, वो माली बड़ा नेक था जो मुफलिसी में नेक था, पर जिसने कुछ किया नहीं, अरे पानी तक दिया नहीं, उसके नाम पे अब ये बाग है, माली के फूटे भाग है।
बगीचे की मिट्टी में मेरी ही कब्र खोद कर, बगीचे की मिट्टी में मेरी ही कब्र खोद कर, अपना बागबा रोशन किया मेरे फूल तोड़कर। पर कह भी ना पाए कुछ तो बताओ अब करे भी क्या, पर कह भी ना पाए कुछ तो बताओ अब करे भी क्या, खौफ जब मौत का रहा नहीं तो किसी और से डरे भी क्या। अब ना कुछ हमें बताना है जताना है दिखाना है, अब ना कुछ हमें बताना है जताना है दिखाना है, अब बहुत हुआ अब जाना है, अब लौट के किसको आना है, बहुत हुआ अब जाना है। मैं शहर को अरसों देखता जैसे घूरता कोई मुसाफिर है, किसी रोज देख लूं ढलता सूरज तब होश रहता कहाँ फिर है। मील का पत्थर, रास्ता, मंजर, ये मेरी नज्म के हिस्से हैं। मेरे बस्ते में डायरी और कुछ किताबें हैं, उन सब में सफर के किस्से हैं। मेरे किस्सों में बस बातें हैं, तजुर्बा है, खामोशी है। मैं अजनबी हूं अपनों के शहर में, ये मेरी खाना बदोशी है। मैं अजनबी हूं अपनों के शहर में, ये मेरी खाना बदोशी है, ये मेरी खाना बदोशी है। प्रदीप, फ्रंट लाइट ऑफ करो। बस एक आठ दिन और राइट में और हाँ अभी ठीक है। बस यार हो गया। लाइट जलाओ, सेंटर लाइट। हल्का सा ऐसे राइट लाइट को। बस सही है। माइक लेके आओ। हाँ हेलो सर। हेलो श्रीकांत पवार सर, प्यार से लोग एसपी बुलाते हैं मुझे, आर्टिस्ट मैनेजर हूँ। प्लीज दिस इज माय कार्ड। मैं शयंतन रॉय का मैनेजर हूँ। शयंतन रॉय, पोएट शयंतन रॉय, पिछले हफ्ते परफॉर्म किया था आपके यहाँ। हाँ याद आ गया, बताइए सर। वो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ी बात करनी थी आपसे। सिलेक्शन? क्या सिलेक्शन? आपको तो याद है ना आपके आर्टिस्ट ने स्टेज पर क्या किया था। हाँ, उसका दिन खराब था सर, वो घर पर कुछ प्रॉब्लम है उसके। Okay. तो वो रिफ्लेक्ट होना ही था और हो भी गया, लेकिन पोएट बहुत अच्छा है सर,
परफॉर्म भी तगड़ा करता है एकदम। मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेट पर काफ़ी चर्चे हैं उसके, बड़ा तगड़ा फैन फॉलोइंग है उसका। मैं बता रहा हूँ आपको, आपके इवेंट को भी फायदा हो सकता है। आप उनकी कुछ पोइट्री देख लीजिए ना प्लीज एक बार। इसकी कोई जरूरत नहीं सर, देख तो लीजिए, दीवाने हैं लोग, उसकी कोई जरूरत नहीं है। माइक कट आउट स्टेज से। हाँ, सिलेक्शन ना परफॉर्मेंस के आधार पर होता है मेरे भाई, समझो इस बात को। हाँ सर, लिस्ट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया है। मतलब फैक्ट है सर, मैंने दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए लिस्ट में। नहीं, तुम एक्यूज कर रहे हो। नो, आई डिडंट मीन टू सर। आप गलत मत समझे मुझे। और जिन आर्टिस्ट की तुम बात कर रहे हो ना, उन्हें ऑडिशंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने जगह खुद बनाई अपने लिए। पीछे वाला कर्टेन बंद करो। हाँ भी ठीक है, बस फाइन हो गया। मुझे भी अपनी जगह बनाने का कुछ मौका दीजिए ना सर। आप बस फिगर बता दीजिए। 25। क्या बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं सर, नथिंग। देखिए मैं क्या सोच रहा था कि ये पूरा शो तो ये स्पोकन वर्ड को प्रमोट करने में चला जाता होगा, राइट? जो भी फंडिंग आती होगी वो इसी ऑर्गेनाइजिंग में चली जाती होगी। तो ये आर्ट के चक्कर में आप जैसे लोगों के बारे में कौन सोचता होगा सर? तो मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन समझ कर रख लीजिए। तुम इस बात की समझ भी, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें और तुम्हारे आर्टिस्ट को इस साइट के सारे इवेंट से बैन करवा सकता हूँ, जानते हो तुम? लेकिन फिर भी आप यहाँ बैठकर मुझसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब समझ तो है सर। पचास फाइनल। जरा अपने आर्टिस्ट को संभालो। श्योर सर। कहाँ जा रहे हो? घर। कितने दिन के लिए? पता नहीं। ट्रेन कितने बजे की है? 5 बजे। अच्छा सुनो, तुम अपना पावर बैंक लेके जा रहे हो क्या? हाँ ठीक है, देखो चाहिए तो बोल, मैं छोड़ देता हूँ, मैं बाहर से नहीं ले लूँगा। अरे नहीं, तुम ले जाओ, वैसे भी बहुत एहसान है तुम्हारे। अरे ऐसे क्यों बात कर रहा है तू? कर रहे ये सब एहसान वगैरह? हाँ तो गलत थोड़ी क्या है, वैसे देखने जाएंगे तो कितने हजारों का उधार होगा मेरा। तो मैंने कभी मांगा है क्या? हाँ पर उससे सच नहीं बदलता ना भाई। बकवास बंद कर, ठीक है? जो कहना सीधा सीधा बोल, ऐसे कब तक बातों को घुमाएगा तू? तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तुझे लगता है मैंने गलत किया है ना? एक बार मेरी जगह आके देखना, हर चीज़ के लिए ना चॉइस नहीं होता है। हम ना तुम्हारी जगह कभी आ भी नहीं सकते, ठीक है? हम दोनों अलग हैं। इस कला के लिए हमारा नज़रिया बहुत अलग है। जो तुमने किया वो तुम्हारे लिए सिर्फ गलती है, हमारे लिए उससे भी परे है। अरे पर मकरन भाई खुद चाहते थे, मकरन भाई के चाहने से उनकी कविता तुम्हारी हो जाएगी? साले तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है क्या? अब ना हम तुम्हें असली वजह बताते हैं। तुम्हें उस कविता से कोई मतलब नहीं था, उसे सुनने वाले लोगों से मतलब था, उनसे मिलने वाली तालियों से मतलब था। और आज भी तुम सिर्फ इसलिए नाखुश हो क्योंकि अपनी कविताओं को तुम उन तालियों से तोलते हो।
बस एक बार अपने दिल की बात रख कर देखो। हाँ, 8 times, वेरी बैड, वेरी बैड। हे निमो, निमो, हे निमो, राइज एंड शाइन माय फ्रेंड, राइज एंड शाइन। ये क्या है? वो घर जाने का सोच रहा था, थोड़ा ब्रेक लेना था। ब्रेक? अरे तो सोचो ना यार, सोचने में कोई बुराई नहीं, मगर लो मत। पता भी है कौन सा शो ऑफर हुआ है हमें? कौन सा? रिसाइट 2020। हाँ हाँ, आर यू सीरियस? यस आई एम। लेकिन एक सेकंड ना, कहाँ जा रहा है? नहीं मतलब मैंने कल ही मेल चेक कर रहा है। हाँ, आई टोल्ड यू ब्रो, आई विल चेंज योर होल इक्वेशन। ये क्या मुंह लटका के खड़ा है तू? कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव डन इट ब्रो, यू हैव डन इट। सोच, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा लाइनअप। खुश है ना? आजा चल। देख, हमारे पास 10 मिनट है, हम 3 pieces कर सकते हैं या फिर 2। यू चूज ऑफकोर्स। उससे क्या होगा, थोड़ी वर्सेटिलिटी रहेगी और इस बार ऑडियंस का पूरा अटेंशन हमारी तरफ होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हम शुरुआत करेंगे खानाबदोशी से। इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मैं, सच में। उसके बाद हम आलस पर शिफ्ट हो सकते हैं या फिर कोई और, यू चूज, जो भी तुझे ठीक लगे। और एक बात, इस बार टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, तो अप्रोच जो है प्रोफेशनल होना चाहिए। ये पिछली बार की तरह फकअप मत कर देना। मैं आपसे कुछ पूछूं क्या? पूछना। Am I a good artist? Of course you are. उस रात आपने कहा था कि उस रात की बात छोड़ दे यार, वो हीट ऑफ द मोमेंट में निकल गया। ऐसा लगा तो नहीं था? क्या फर्क पड़ता है शंतनु, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया हसीनों का मेला, मेले में तू है अकेला। अरे हंस यार, राइट राइट, हंस ले। अरे आनंद भाई, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। अरे मजे में। अरे सुनो, अगले महीने आपका भी एक लाइनअप शो में ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो बी प्रिपेयर्ड। ओके, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। अरे इसको बोलते हैं आर्टिस्ट। परफेक्ट। शंतनु, कुछ पैसे पड़े तेरे पास? कितने? ज़्यादा नहीं, 30,000। 30,000? हाँ। नहीं इतने तो नहीं है। क्यों, क्या हो? कुछ नहीं, तू पोइट्री पे ध्यान दे, परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, तगड़ा कर लेकिन। हाँ अच्छा बना, चल निकल दो मैं, ऑल द बेस्ट। आनंद भाई निकल दो, ध्यान देना राइजिंग स्टार। बाय बाय बाय। हाँ भाई, देखा, अंत भला तो सब भला, मुबारक हो। चलो इसी बहाने तुम्हारा पावर बैंक तो कहीं नहीं जा रहा है। பட்ட நசிதல ஆடன துக்கத்தியா தாடுசதனம் துக்கத்தியா ஆடு வண்டி பாய் பாஸ். ஹலோ ஹலோ, நமஸ்தே பாய், நமஸ்தே. மன்ன படே கரு தெரே டேரிங் கோ, பேலே கா சுகானே கோ பைசா நீ ஹே, தூஸ்ரா லே ரஹா ஹே. बस क्या हुआ है? मुस्कुरा मत साले, इस बार 15 नहीं 20% है भाई। ये गलत है ना? ये गलत है, जाने दे फिर। नहीं 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 भाई, सुनो ना,
आपका नहीं मेरा नहीं, 18 में डन करते ना, 18 में डन करते प्लीज। सब्जी खरीद रहे करे भोसड़ी के, हाँ ठीक ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। एक महीना पूरा पेमेंट। हाँ हाँ एक महीना, हाँ पता है। चल बंटी को फोन दे। हाँ भाई भाई, भाभी कैसी है, घर पे सब ठीक? चल फोन दे। हाँ ख्याल रखना अपना बंटी भाई। हाँ भाई। बंडल दे गांडू को। हाँ দেরি করলে পারফরম্যান্সের টাইম জানো না কমিয়ে দেয় দেখিস। না না কটা থেকে প্রোগ্রাম? 5টার সময় থেকে। এই ঘড়ির কাঁটা ধরে 4:45 পৌঁছে যাবে কিন্তু। হ্যাঁ মা। জামাই ইস্ত্রি করেছিস? হ্যাঁ। ঠাকুর প্রণাম করে যাস। হে বাবা হ্যাঁ। ঠিক আছে। এই নীল রঙের জামাটা পরে যাস কিন্তু। হ্যাঁ নীল রঙের জামাটাই পরে যাব, ঠিক আছে। জয় গুরু জয় গুরু। এত বড় কাজ, কাল মন্দিরে গিয়ে না তোর নামে পূজো দিয়ে আসব। দিয়ে দিও। আমি তুমি কখনো আমাকে পোয়েট্রি করতে আটকাওনি কেন? যে জিনিসটার জন্য আমি এতগুলো রিস্ক নিলাম, জব ছেড়ে দিলাম, একটা অন্য শহরে চলে এলাম, তুমি একবারও মানা করলে না। বাবা থাকলে কিন্তু এইসব ইরাশনাল ডিসিশনগুলো জীবন নিতে যেত না, তাই না? না রে, এসব তোর বাবার জন্যই তো করছি। মানে মানুষটা সারা জীবন শুধু চাকরি করে গেল জানিস, কিন্তু যদি বলি তোর বাবা খুব ভালো স্টেজের অভিনেতা ছিল, বিশ্বাস করবি? হ্যাঁ সত্যি। না আমাকে তো কখনো বলেনি, কারণ ভয় পেতেন। যদি বললে তুইও স্বপ্ন দেখা শুরু করিস, আর ওর মতো তুইও যদি তা পূরণ করতে না পারিস। কিন্তু যেদিন তোর বাবা তোর প্রথম কবিতাটা শুনেছিলেন, সেদিনই ঠিক করে নিয়েছিলেন যে তুই আর্টিস্ট হবি, আর বাকি খরচা উনি চালাবেন। বড্ড আগে চলে গেলেন জানিস। I'm a little nervous, but I'm also excited. That's okay. It's natural. But are you fully prepared? I don't know. No, I mean, I know. But I think I wanted something a little more spontaneous this time. So it's... Hi. Hi. अरे अरे गुरुजी, कैसे आप? अरे बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर द शो गाइस, सी यू, बाय। ऐसे एक बात कहें, अपनी पहली शिष्य को इतनी तरक्की करते देख बहुत अच्छा लग रहा है। अरे छाती चौड़ी हो गई हमारी। अच्छा नहीं, मैं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी ना, इसीलिए इतनी मेहनत की, वरना तो क्या है। बस कीजिए बस कीजिए, देखिए अब आप हमें शर्मिंदा कर रही है मोहतरमा। वैसे ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सनम ऑल द बेस्ट।
same to you. Look, I really want to apologize for the other day. Listen, Chandan, we don't have to do this now, okay? Just... No, please listen. I've been a complete asshole. मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की है. मे बी आई एम नॉट दैट मैच्योर. द अदर डे वट एवर आई से इट वॉज नॉट मी. आई डोंट नो व्हाई. यू नो शांतन, व्हेन यू सेड दोस थिंग्स टू मी आई वाज सो एंग्री. लाइक आई जस्ट वांटेड टू हर्ट यू. आई बट देन आई थॉट अबाउट इट एंड आई सेड इट्स नॉट योर फॉल्ट ओनली. That at this point you are so caught in your own head, you're not able to get out of it. In fact, I felt bad that I couldn't understand you. And you have to let it go. Like, just let it go completely. You know, sometimes I feel like, we feel like everybody around us is pressuring, the world is pressuring you or forcing you to be something that you're not. But what if it's just you? I mean, I don't know, just let it go, I guess. Silent Craig, we're going to start the show now. I like your name, Shayantan. What does it really mean? Okay, looks like we're in for some serious poetry tonight, huh? Best of luck, Shayantan. The stage is yours. Brave. That's the meaning of my name. कविता क्यों लिखते हो? जिस दिन पता चलेगा, या तो खुद को ही नहीं पहचान पाओगे या फिर लिखना ही छोड़ दोगे.
अब लिखना है मुझे, अपने बनाए दायरे अब तोड़कर, महफिल और मुशायरे सब छोड़कर, चल पड़ा हूं अनजानी राह में, मंजिल नहीं अब रास्ते की चाह में। सालों से मैं था ढूंढता ये हौसला, मुश्किल ही था मेरा ये फैसला। थे कुछ दोस्त जो थे जानते इस ऐब को, मैं जीता था एक झूठ को, फरेब को, जो था छलावा उसे ही सपना कहा, किसी और की विरासत को अपना कहा। न खुश रहा और हो गया बेजार में, लेकिन तालियों के अदने से इस बाजार में, अब नहीं किसी शाम बिकना है मुझे, जो अब तक ना लिखा वो लिखना है मुझे। तुम समझोगे कि हो गया बर्बाद हूं, क्या बताऊं किस तरह आजाद हूं। अब तक लिखता रहा किसी और के लिए, भीड़ में गूंजते उस शोर के लिए, कहा था किसी ने ये सिलसिला नहीं टूटेगा, क्यों लिखना है जानोगे तो कोई शब्द कोई छंद नहीं फूटेगा। जब अनहड़ से ज्यादा कुछ सुनाई देता नहीं, जब सफेद रोशनी के सिवाय कुछ और दिखाई देता नहीं, तभी ये रूह साथ जिस्म के छोड़ने लगता है, ये कलम कागज पर दौड़ने लगता है, तब हर लम्हा कोई मंजर खास दिखा जाता है, और ऐसे में ही शायद इतिहास लिखा जाता है। कुछ इसी तरह से मलंग हो जाने का, खुले आसमान में आवारा पतंग हो जाने का, ये करिश्मा ये हुनर सीखना है मुझे, जो अब तक ना लिखा वो लिखना है मुझे। जानता हूं सफर ये अनजान है, जमाने बाद चेहरे पर मुस्कान है खुद से गिला और खुद पर है नाज भी, मैं जान गया हूं जीने का ये राज भी। अपने बनाए ब्रह्मांड का आकार होता है, कला को भोगने वाला नहीं रचने वाला कलाकार होता है। उसे होती है फिर किसी की फिक्र नहीं, उसकी बातों में रंजो मलाल का जिक्र नहीं। ना ऐसे मोड़ पर था मैं पहुंचा कभी, ना इस तरीके से मैंने था सोचा कभी। अब लग रहा है जी रहा हूं जिंदा हूं, खुले आसमान का खानाबदोश परिंदा हूं। अब शोहरत की चाह नहीं किसी की परवाह नहीं, अब लिखना है मुझे, अब लिखना है मुझे। ये कहानी उन सब के लिए है जो अपने कलम की स्याही से अपने मन को टटोलते हैं। ये कहानी उन सभी के लिए है जो उस कलम तक पहुंचने के लिए थोड़ा घबरा जाते हैं। ये कहानी हम सभी के अंदर छिपे कलाकार को जगाने के लिए है। और फिर जिंदगी एक ही है तो शर्माना किस बात का, थोड़ा बेशरम बनो और अपने पीछे शेल्फ पर रखी किताब को उठाओ और जो मन चाहे उसमें लिखो। और इसी बेशर्मी के साथ हमारे शो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो और बड़ी बिट्स को सब्सक्राइब करो कुछ ऐसे ही दिल वाली कहानियों के लिए। आंखों में है सपने नए, जेबों में है कर्ज़े वाले।